हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं करने वाली हूँ नायका से जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और दिवाली धमाका सेल पे जो भी प्रोडक्ट्स मुझे मंगाने थे मेकअप से रिलेटेड वो सब मंगाए हैं, तो मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे क्योंकि एक एक प्रोडक्ट मैंने काफी ज्यादा इंक्वायरी करके ही मंगाया है। कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट पे मैंने ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर दिया क्योंकि मुझे अपनी प्रोफेशनली किट में और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने थे, तो उस वजह से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स नए मंगाए हैं और कुछ ओल्ड हैं जो मुझे बहुत पसंद थे पहले से ही, तो उनके बारे में हम रिव्यू करेंगे। और क्या क्या मैंने मंगाया वो मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ तीन बॉक्स आए हैं नायका से और फ्लिपकार्ट से, और ये तीन बॉक्स में मेरा प्रोडक्ट है। ओके, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सामसी मिलानो का फाउंडेशन। इतना अच्छा है, मैट फिनिश देता है फर्स्ट तो। सेकेंड थिंग, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको अच्छा खासा अपना सीटीएम करना पड़ेगा। ये देखो आप कितना मैट लुक दिया है इस फाउंडेशन ने, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये बिल्कुल एयर ब्रश वाली फिनिश दे रहा था और मीडियम टू फुल कवरेज ये फाउंडेशन है। सेकंड लेयर मैंने नहीं की, अगर मैं सेकंड लेयर भी करती तो शायद ये और अच्छी फिनिश देता। तो मैंने जो दो शेड मंगाए हैं वो हैं, एक तो है 02 और दूसरा है 05, क्योंकि मैं प्रोफेशनली भी वर्क करती हूँ और मुझे दो शेड चाहिए थे बिकॉज मैं मिक्स मैच करके अपने क्लाइंट्स पर यूज करती हूँ और खुद पर भी। तो ये दो शेड मैंने मंगाए, एक तो है 05 और दूसरा है 02। जो 02 है वो है थोड़ा सा लाइट और 05 है वो है वार्म। इन दोनों को मिक्स करके आप मेकअप कर सकते हो अपने क्लाइंट्स का अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, ये फाउंडेशन ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत अमेजिंग है। सेकंड लेयर में ये फुल कवरेज देता है, इतना अच्छा फाउंडेशन है कि एयर ब्रश वाली फिनिश दे रहा है। साथ मेरे रिंकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियोज आप देखना तो आपको पता चल जाएगा मेरे रिंकल्स का प्रॉब्लम है। और कितना भी आप मेकअप कर लो रिंकल्स को आप हटाई नहीं कर सकते हो ज्यादा, वो दिखेंगे फिर भी तो विजिबल होंगे। लेकिन आप देख रहे हो आज मेरे रिंकल्स थोड़े से कम दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन। बस इस फाउंडेशन का एक ही रूल है, लगाओ और तुरंत ब्लेंड कर दो, आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये पैच छोड़ सकता है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ 1100 रुपए का था नायका पर, बट ये आफ्टर सेल मुझे मिला है 1049 रुपीज का। तो ये दो फाउंडेशन आप अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी शेड आपको मंगाना है वो आप मंगा सकते हो। और दो शेड आप मंगा लो, कोई भी एक लाइट और एक डार्क शेड, और उसके बाद तो आप फाउंडेशन मिक्स मैच करके कर लोगे। ओके, तो आप सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है वो है रेवोल्यूशन की 4K हाइलाइटर पैलेट, जो कि मैं बहुत टाइम से मंगाना चाहती थी। इसके भी रिव्यू मैंने बहुत अच्छे से देखे थे और जब मैं मेकअप सीख रही थी तब मैंने इसे यूज भी किया था, और ये इतना अच्छा नेचुरल ग्लो देता है। ये आप देख रहे हो, जो बहुत सारे ग्लिटर्स हाइलाइटर जो होते हैं वो चंकी सा लुक देते हैं, चंकी चंकी से दिखते हैं ना अलग से गंदे से, ये वो नहीं है, बहुत अच्छा पैलेट है। आप अगर समन है जिनको हाइलाइटर चाहिए और हाइलाइटर ऐड करना चाहते हो तो ये वाला हाइलाइटर आप ऐड कर लो। प्रोडक्ट जो है वो है ये पैक का ग्लू। ये मैंने फोर्थ टाइम बाय किया है और ये वाला ग्लू बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। अगर ब्राइडल वगैरह को दे रहे हो तो उसके लिए ये ग्लू बहुत परफेक्ट है, ब्राइडल के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिटाफिल का मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर आपने देखा भी होगा बहुत टाइम, और ये मैं कई बार खरीद चुकी हूँ। ये मुझे मॉइस्चराइजर बहुत पसंद है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। सामसी मिलानो जैसे फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो, आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये सिटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज़ करो, अपना जो सीटीएम है वो स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद फाउंडेशन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है मॉइस्चराइजर, अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर कोई भी यूज कर सकते हो। और अब तो विंटर आ गए हैं तो विंटर के अकॉर्डिंग ये मॉइस्चराइजर आप अपनी वैनिटी में ऐड कर लो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये पैक का फिक्सिंग स्प्रे। ये प्रोडक्ट बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का ऑलरेडी बहुत फेवरेट होगा। अगर आप ड्यूई इफेक्ट चाहते हो अपने मेकअप में तो ये वाला फिक्सिंग स्प्रे आपके पास जरूर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्प्रे है, अफोर्डेबल भी है। अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आप फिटमी का यूज कर सकते हो, और अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप इस वाले को यूज कर सकते हैं। ये जो फिक्सिंग स्प्रे है बहुत ड्यूई इफेक्ट देता है और अभी विंटर के लिए सबसे अच्छा यही वाला स्प्रे है अफोर्डेबल में, तो इसे आप अपनी वारंटी में अगर आपने ऐड नहीं किया अभी तक तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखो, ये बहुत ज्यादा पसंद है मुझे भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है ये क्लिंजिंग वाटर, और इसका प्राइस था कुछ 199 का ही आया है। ये इतने का तो नहीं पड़ा मुझे, ये शायद कम में पड़ा है मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट के बाद। वैसे इसका प्राइस 200 है, इतना छोटा सा है लेकिन ये अच्छा है क्लिंजिंग के लिए।
ओके, तो एक बॉक्स मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे बॉक्स पे आ जाते हैं, इसको बंद कर देती हूँ। और मैंने ये दो पैकेट मंगाए हैं वेट टिश्यूज की। अब अभी मुझे डिस्काउंट में ये मिल गई थी, कुछ डिस्काउंट पर ये कितने की मिली है मुझे, 190 रुपीज़ की मिली है दोनों। ठीक है, मतलब 80 पीसेज हैं इसमें और ठीक लगा मुझे, तो ये मैंने दो ले लिए हैं। ये आपके पास वेट टिश्यूज होने चाहिए, अच्छा है अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, अगर आप पर्सनल यूज के ले रहे हो तो ठीक है, एकदम से मेकअप रिमूव कर दो, लगा के इसे क्लीन कर सकते हो, मेकअप रिमूविंग के लिए ये बढ़िया है। अब आ जाते हैं सेकंड बॉक्स पर। यार मेरी पर्सनली बहुत बहुत फेवरेट है लवर्स की ये लिपस्टिक, इतनी अच्छी है, एक बार में लगाओ और उसके बाद फिर आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक भी पहन रखी है, पूरे दिन आपका एक तो स्टे करेगी, दूसरा आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपने लगाई हुई है लिपस्टिक। बहुत लाइट वेट है इसका, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसमें रेड भी मिलेगा आपको, सारे न्यूड शेड भी मिल रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं। इस पैलेट में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये आई मैजिक की ब्लश पैलेट। और इसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने इस पैलेट को देखा होगा ऑलरेडी, और प्रोफेशनली ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं। ये पैलेट मैंने पर्पल से खरीदी थी, 1000 रुपये में मैंने ली है, और मुझे कोई अच्छा खासा डिस्काउंट इस पर नहीं मिला, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस 300, 400, 600 इस तरीके से था, तो मैं कंफ्यूज हो गई, पता नहीं यार ओरिजिनल भी होगी या क्या दे रहे हैं पता नहीं, तो मैंने पर्पल से मंगा ली। और इसके जो पिगमेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें सारे शेड्स हैं, ठीक, तो इंडियन स्किन टोन पे आराम से चले जाएंगे। तो ये अफोर्डेबल में अगर आप जाते हो तो ये ब्लश पैलेट सबकी वैनिटी में आपको मिल जाएगी प्रोफेशनली, और सेल्फ मेकअप के लिए भी ये बहुत अच्छी है। लिक्विड ब्लश यूज करने के बाद जो फिनिश मिलता है ना आपको, जो ग्लो आता है, ये वो वाला ग्लो देती है। और ये मैंने अभी भी पहन रखा है, उसके बाद हाइलाइटर मैंने यूज किया हुआ है, वरना आपको अच्छी तरीके से दिखता, लेकिन अगर मैं किसी और वीडियो में यूज करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी इसका वर्क कैसा है। ये पैलेट आपकी वैनिटी में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसे ऐड कर सकते हो, इन्वेस्ट करो आप इस पैलेट पर। मार्स का जो ब्रश सेट है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी थे, तो वो झूठ नहीं थे यार, बहुत अच्छी है। इसके जो ब्रशेज हैं बहुत सॉफ्ट है, अगर आप सेल्फ मेकअप के लिए खरीद रहे हो ना तो ये ब्रशेज जरूर ले लो। एक तो ये फ्लफी ब्रश, इसका पाउडर ब्रश बहुत बढ़िया लगा मुझे। सेकेंड है इसका ये फाउंडेशन ब्रश, बहुत सॉफ्ट है, 1079 रुपीज के मैंने लिए हैं, और जैसे ही मैंने खरीद लिए तो ये अब कुछ हो गए 1000 के डिस्काउंट हो गया है इस पर, तो आप इसे जरूर बाय करो। वैसे इसका प्राइस 1100-1200 रुपए है जो एक्चुअल में अभी मिलता है। और इसमें आपको जो ब्रशेज मिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। एक तो आपको पाउडर ब्रश मिल जाएगा फ्लफी सा, दूसरा फाउंडेशन ब्रश, मिनी पाउडर ब्रश, ब्लश भी लगा सकते हो इससे, 3 एक्चुअली आई शेडो ब्रश है। ये 6 ब्रशेज का सेट है और ये 1000 में बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये काजल, स्विस ब्यूटी का है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम है और प्राइस के अकॉर्डिंग 200 का मुझे पड़ा, ये 200 में ये इतना ही है, ये जितना आपको दिख रहा है ना ये बस इतना ही है। प्रोफेशनल यूज के लिए वैसे फॉरएवर का अच्छा है, बट मुझे कॉस्टली लग रहा था, 500 या 600 का था काजल, तो आप इसे ले सकते हो अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो तो। फिर नेक्स्ट है एल्फ का प्राइमर, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं, सॉरी अगर वीडियो लंबी हो गई है तो, अगर आपको मेकअप पसंद है तो आपको अच्छा लग रहा होगा वैसे देखना, नहीं पसंद है तो आप बोर हो जाओगे। एल्फ का प्राइमर, ये वो प्राइमर है जो आपको ऐसा ग्लो देगा, एक तो जैसा अभी मेरे फेस पर दिख रहा है आपको, ये प्राइमर मैंने यूज़ किया हुआ है अभी, दूसरा ल्यूमिनस पुट्टी प्राइमर नाम है इसका, एल्फ का प्राइमर है, इसे मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद ही ऑर्डर किया था। एक दो अगर आप स्टोव क्रीम वगैरह सर्च कर रहे हो है ना, स्विस ब्यूटी का एक स्टोव क्रीम है जो कि ये है मेरे पास है ऑलरेडी, ये इसमें क्या है प्राइमर और स्टोव क्रीम दोनों मिक्स है एक तरीके से, आपको अलग अलग चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे ही लगाओ और उसके बाद वो ग्लो आप आराम से पा सकते हो इस प्राइमर के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा में अफोर्डेबल में अगर आप देखते हो तो ये मेबलिन का आप बाय कर सकते हो, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, अच्छी तरीके से पता होगा इस मस्कारा के बारे में, तो इसे आप ऐड कर सकते हो अगर आप अफोर्डेबल में कोई सर्च कर रहे हो तो। और स्काई वाला जो था मस्कारा वो अभी हो गया था रिसेंटली, 700-800 उसका प्राइस था, बट वो अभी कम हो गया है तो शायद 400-500 का मिल रहा है, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। इनसाइट का अगर प्रोडक्ट की बात करूँ ना मैं, तो इनसाइट के प्रोडक्ट में और किसी का प्रोडक्ट का मुझे नहीं पता, इतना मैंने यूज़ नहीं किया है, बट ये जो लिपस्टिक पैलेट है इनसाइट की अफोर्डेबल है एक तो, दूसरी बात इसमें आपको सारे न्यूड शेड्स मिल रहे हैं। लवर्स और ये इनसाइट की पैलेट यूज़ करती हूँ, और एक मार्स की भी पैलेट है अफोर्डेबल में अगर जाओ तो, बहुत बढ़िया है रिजल्ट भी इसका। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है एले गर्ल का ये कंसीलर, और मैंने तीन शेड लिए हैं इसके, एक साथ आ रहा था इसलिए शायद, ऑरेंज और बाकी लाइट शेड्स हैं, ये आपके डार्क सर्कल को एकदम गायब कर देगा,
ये इतना अच्छा कंसीलर है, थोड़ा सा कॉस्टली है, 600 का एक है, बट मैंने तीनों का पैक लिया है तो मुझे पड़ा है कुछ 1400 या 1500 का आफ्टर डिस्काउंट अभी। तो ये आप आपकी पेंटिंग में होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, अफोर्डेबल में कोई कंसीलर वगैरह आप देख रहे हो और फुल कवरेज आपको चाहिए तो ये एलेगल का कंसीलर, अफोर्डेबल में लिप ग्लॉस देख रहे हो तो इनसाइड का लिप ग्लॉस एक बार यूज करके देखो, आपको पसंद आएगा, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये 75 रुपीज का मैंने लिया है। स्टूडेंट हो अगर आप, मेकअप सीख रहे हो तो आप पूरा सेट ले लो बेली का, अभी ये फ्लिपकार्ट पे अच्छी खासी सेल में, वो अच्छे प्राइस में मिल रहा है। मैंने जो लिया है वो 1000 में लिया है, ये मैंने 15 ब्रशेज हैं और मेरे पास पहले से ही बेली का सेट है, बट मुझे ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेज चाहिए और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। ये बेली के ब्रशेज अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी वैनिटी में ऐड कर लो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी आप अपनी वैनिटी में ऐड कर लो, अगर आप चाहते हो अफोर्डेबल में खरीदना। तो लास्ट चीज जो रह गई है वो है आईलैशेस जो मैंने अभी लगाई हुई हैं, बहुत ज्यादा प्रिटी आईलैशेस हैं, डार्लिंग इनका नाम है, हेमी लैशेस करके है, सॉरी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर किया था मैंने, सेकंड टाइम मैंने बाय किया है। अगर आपको हैवी चाहिए तो आप दूसरा ले लो या फिर आप डबल करके भी इसे यूज कर सकते हो, पूरा सेट पड़ा है 20 पीसेस का, 1800 कुछ 50 रुपीज का पड़ा था, तो ये मुझे ठीक लगा, काफी सारी लेसेस हैं इसमें। अगर आप सिंगल लेसेस अगर आप देख रहे हो नाइका वगैरह पे तो आपको पता होगा प्राइस कितने ज्यादा हाई हैं, 350 500 600 के, और इसमें 20 पीस आपको मिल रहा है और क्वालिटी इतनी अच्छी है। पैक का आप ग्लू ले लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। आप जो भी चाहते हो इन प्रोडक्ट्स में से आंख बंद करके खरीद सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने लिटरली इतना ज्यादा वेट करके, बहुत सोच के, बहुत ज्यादा देख के लोगों के पास है या नहीं है, ये वाले प्रोडक्ट हैं तो किस तरीके के हैं, कुछ प्रोडक्ट पहले ही मैंने यूज किए थे, वही प्रोडक्ट पे मैंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मैंने एक एक रुपए उन्हीं प्रोडक्ट पे लगाया है जो मुझे अपनी वैनिटी और बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, अच्छी वैनिटी बनाने में। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो आराम से लो, नायका पर अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप अभी ले लो, बाकी बाद में आप लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं प्रोडक्ट, और अभी डिस्काउंट भी है तो आप अभी खरीद लो दिवाली सेल पर। और इनमें से एक भी प्रोडक्ट मुझे ऐसा नहीं लगा कि बेकार निकल गया हो, सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आए। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो के थ्रू, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है पूरी तरीके से, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लुक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, आई लव यू सो 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 मच, बाय।